आप सबका इबाज और इंसान किचन में एक बार फिर वेलकम है। मैं आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन चॉकलेट चिप कुकीज की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें एक अंडा, 200 ग्राम हमें चाहिए मैदा, फिर हमें चाहिए 120 ग्राम हमें चाहिए ग्रेनुलेटेड शुगर मतलब पीसी हुई चीनी, फिर हमें चाहिए 110 ग्राम बटर, सॉफ्ट बटर चाहिए ओके, फिर हमें चाहिए 100 ग्राम ब्राउन शुगर, फिर हमने लिया है 100 ग्राम चॉकलेट चिप्स और यहाँ हमने लिया है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम बटर और चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे मतलब बीट करेंगे ओके। ये हमने ग्रैनुलेटेड शुगर डाली, ये हमने ब्राउन शुगर डाली, अब हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। अब ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है, बटर और शुगर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक एग, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से, ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है ओके। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें फ्लावर डालेंगे और बेकिंग पाउडर डालेंगे ओके। हम इसे सिफ्ट करेंगे, हम बेकिंग पाउडर भी साथ ही डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक ये एक डो का शेप ले ले। आपको दिख रहा होगा ये देखिए डो जैसा शेप आ चुका है, बिल्कुल डो तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा ये। अब इसमें हम सारे चॉकलेट चिप्स डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ओके। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये स्टिकी भी नहीं रहा। अब अगर आप लोग ऐसे लगे कि स्टिकी है तो आप अपने हैंड्स पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें ठीक है। उसके बाद ये करेंगे हम इसके बॉल्स बनाएंगे छोटे छोटे। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें मैंने 100 ग्राम और बट चॉकलेट चिप्स डाले थे क्योंकि मुझे लगा चॉकलेट चिप्स कम है, क्योंकि चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं तो चॉकलेट चिप तो होने चाहिए ज़्यादा। अगर आप लोग को, अब आप लोग इसमें और भी डाल सकते हैं अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा चॉकलेट चिप पसंद है, और नहीं भी डालेंगे तो भी चाहिए। अब इस साइज के हमें मीडियम साइज के बॉल्स बनाने हैं और इसको रख देना है। अच्छा, इसको मैंने बटर पेपर को अच्छे से ग्रीस कर लिया ऑयल से और अच्छे से लगा लिया ताकि हमारे कुकीज चिपके ना ओके। और इस तरीके से थोड़ा दूर दूर रखेंगे क्योंकि ये फैलेंगे। सो इस ट्री में मैंने 6 कुकीज का डो रखा है, तो अब इसको हम 200 डिग्री सेल्सियस पे ओवन को प्री हीट करके 10 से 15 मिनट पकाएंगे। उतना पका रहे हैं जितना बेक करेंगे, जितनी देर में हमारे कुकीज अच्छे से सॉफ्ट मॉइस्ट और च्यूई नहीं हो जाते और पक नहीं जाते। सो ये देखिए हमारे कुकीज रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें बटर पेपर क्यों नहीं लगा हुआ, तो ये मैंने सेकेंड बैच बेक किया था तो मैंने बटर पेपर हटा दिया था अब। और ये देखिए ये आपको थोड़े से डार्क ब्राउन से लग रही होंगी, तो मैंने इसे ओवर बेक किया क्योंकि मुझे क्रिस्पी कुकीज पसंद है। तो अगर आप थोड़े कम क्रिस्पी पसंद है तो आप इसे लाइट रखिएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े लाइट कलर में, ये देखिए थोड़े लाइट है तो ये इतने क्रिस्पी नहीं होंगे ठीक है, ये थोड़े डार्क कलर है। तो अब आप दोनों अपनी चॉइस के हिसाब से बेक कर सकते हैं। सो ये देखिए हमारे चॉकलेट चिप कुकीज बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुकी है और इनकी प्लेटिंग भी हो चुकी है। अब अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और साथ ही इसके बेल आइकन होता से प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेट मिल सके कि मैं कब न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप लोग और जाके आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करेंगे और इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस तरीके के मजेदार कुकीज अपने घर पे बनाएंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इंजॉय करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।
हाफ।